नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। अजहरुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी हैं वारिस पठान। जी हाँ, लेकिन जब सीए के विरोध के नाम पर वारिस पठान ने एक रैली में बोलना शुरू किया, जो जुबा से धमकी और अपशब्दों की बाढ़ आ गई। जब वारिस पठान ने अपनी बयानबाजी पर माफी से इनकार कर दिया तो बीजेपी की ओर से भी भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया। सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई कुछ भी कह सकता है? समझ लो, अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा? 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रखना ये बात। ये असदुद्दीन ओवैसी के वारिस हैं, AIMIM के नेता हैं और ओवैसी के बेहद खास। लेकिन उनके इस जहरीले बयान ने ऐसा जहर घोला है कि सियासत का समंदर नीला हो गया है। ओवैसी की पार्टी बैकफुट पर है और विरोधी दल चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध के नाम पर AIMIM लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये कहां तक जायज है कि इसे हथियार बनाकर इसकी आड़ में किसी समुदाय विशेष को सीधी और खतरनाक धमकी दी जाए? जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो, अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा? 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। वारिस पठान का ये भड़काऊ बयान कर्नाटक के गुलबर्ग का है और 15 फरवरी का है, जब ओवैसी समेत पार्टी के बड़े नेता CAA और NRC के विरोध के जलसे में इकट्ठा हुए थे। कमाल ये है कि जब पठान साहब 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ की राग धमकी का अलाप कर रहे थे, मंच के सामने ओवैसी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सब कुछ अपने कानों से सुना, लेकिन उसके खिलाफ जुबां से एक शब्द नहीं निकला। वारिस पठान की जहरवाणी का जवाब विरोधी दल ना दे, ये भी नामुमकिन है। न सिर्फ हैदराबाद से बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता राजा सिंह ने वारिस पठान को आड़े हाथों लिया, बल्कि कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने भी इसे भड़काऊ बताया। ये किस भाषा का उपयोग आप लोग कर रहे हो? क्या तुम लोग हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हो? क्या एक बार ट्रायल देख लेंगे? है उतना दम आप में? क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हो? गलत स्टेटमेंट है, इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है और मुसलमान ये बिल्कुल मानता नहीं। जहाँ जहाँ जिस ढंग से अभी आंदोलनें हो रही हैं वो गांधी जी के मार्ग से हो रही हैं। ये इस तरह की भाषा वो जो कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, यानी उनको कहाँ ना कहाँ बीजेपी को मदद करने की ये भाषा है, दूसरा कुछ नहीं। लोकतंत्र में संविधान हर किसी को विरोध की इजाजत तो देता है, लेकिन दायरा और मर्यादा के भीतर रहकर। लेकिन इन दिनों अपशब्दों और विवादित बयानों की मानो रेस लगी है। तभी तो अपने बयान पर ना तो वारिस को अफसोस है, ना ही उनके पार्टी के नेताओं को। कोई माफी मांगने की इसमें बात नहीं है, आप पढ़िए, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पब्लिक मीटिंग है, लोगों को समझाना जरूरी है कि बीजेपी हमको अलग करना चाहती है। हम ये बता रहे, देश पे जितना अधिकार इस मुल्क पे मोदी अमित शाह का, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है। वारिस पठान इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट एनी पर्सन रिलीजन और अगेंस्ट द कंट्री। हमारा यही कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करती है जो किसी जाति, धर्म या मजहब का हो। वारिस पठान ने अपने शब्दों में साफ कर दिया है कि हमारा बोलने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, बस हमारा इतना। हिंदुस्तान में वोट बैंक की सियासत असल राजनीति की नीयत और मकसद को बर्बाद कर रही है। जो नेता दूसरे दल पर फूट डालो और राज करो का इल्जाम लगाते हैं, वही इस राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं, वो भी बिना किसी अफसोस के। आज तक ब्यूरो। अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार सीए और NRC का विरोध कर रही है, लेकिन ओवैसी के ही मंच पर एक लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाकर हर किसी को सकते में डाल दिया। हालांकि ओवैसी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बीजेपी ने कई सवालों का जवाब मांगा है। उधर पाकिस्तान के लिए नारा लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो चुका है।
बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर जब एक लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू की तो हर कोई सन्न रह गया, खुद ओवैसी अवाक रह गए। अपने मंच से पाकिस्तान का गुणगान सुनकर पीछे खड़े ओवैसी ने आनन फानन में पहुंचकर लड़की को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक कमान से तीर निकल चुका था। सियासी विवाद की तरंगे उठनी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने अब ओवैसी से सवाल पूछा है कि कहीं ये प्रायोजित तो नहीं। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने तुरंत आरोपी लड़की अमूल्या लियोना का एक वीडियो ट्वीट किया और आशंका जाहिर की कि जो दिख रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इसका फेस बन गई हूँ मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइजर्स देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है। कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं। अमूल्या का ये वीडियो 21 जनवरी का है जिसमें उसने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में ये सारी बातें कही हैं, जिसे अमित मालवीय ने जारी किया है। फिलहाल पाकिस्तान समर्थित नारा लगाने वाली लड़की अमूल्या लियोना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमूल्या की अब कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन इससे पहले कि विवाद चिंगारी से शोले में तब्दील हो जाए, ओवैसी ने झट से अपनी ओर से सफाई पेश की। मैं इसको कंडेम करता हूं और ये लोग पागल हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत है नहीं, इनको करना है जाकर और जा करें, यहाँ क्यों आए कर रहे हैं लोग, ये कंडेमनेशन है, मैं इसे कंडेम करता हूँ, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए इस तरह की हरकत को। अमूल्या के विवादित नारों को सुनकर न सिर्फ राजनीति सुलग रही है बल्कि खुद उसके पिता ने बेटी के बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। चिकमंगलुरु में पिता जेडीएस के नेता हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटी के बयान से लेना देना नहीं। पाकिस्तान। मंच चूंकि ओवैसी का था लिहाजा इसे मुद्दा बनाने में एबीवीपी ने जरा भी देर नहीं की। बेंगलुरु में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। विवादों में रहने वाले हिंदूवादी संगठन श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने भी विरोध के नाम पर मर्यादा तोड़ी। इडी देश ई वायरस संबंधपट्ट ई देशद्रोही वायरस संबंधपट्ट योचने ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ। ಇವಳನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು। हालांकि ओवैसी ने पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी की निंदा करते हुए अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन मंच उन्हीं का था, लिहाजा इस पर कितना भी पानी डाला जाए सियासत तो अब और भड़क कर ही रहेगी। ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं, स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक पिंट्रो के साथ आज तक ब्यूरो। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकारों की प्रदर्शनकारियों से दो राउंड की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। आज एक बार फिर वार्ताकार प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत करने पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि 69 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन का दौर क्या आज खत्म हो पाएगा। ये शाहीन बाग वहाँ है सारे आंदोलनों की बदलने में, आपका भी हाथ है, हमारा भी हाथ है, सबका हाथ है। इंशाअल्लाह मैं सुन रहा हूँ, इंशाअल्लाह माहौल बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान है, तो अगर हम चाहते हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से दो राउंड की बातचीत के बाद भी कोई बात नहीं बन सकी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकारों की समस्या का समाधान निकालने की कोशिशें अब तक बेनतीजा ही साबित हुई हैं। आज लगातार तीसरे दिन वार्ताकार संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला शाहीन बाग में आंदोलनकारियों के बीच पहुंचेंगे और शाहीन बाग को खुलवाने की कोशिश करेंगे। गुरुवार की बातचीत के बाद वार्ताकारों ने एक वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा सामने रखा।
the protesters at Shaheen Bagh reiterated their respect for and confidence in the Supreme Court. They were very grateful for the opportunity offered to them by the Supreme Court to consider their position. We strongly recommended to the protesters to fruitfully utilize this intervention. Some women protesters pointed out options or alternatives in terms of roads which could ease the crisis. We urged the protesters to come up with creative solutions to the traffic situation while simultaneously protecting their right to protest. We will continue to meet the protesters, hopefully in a more organized manner. गुरुवार को दूसरे दिन की बातचीत में वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों के सामने इस बात पर जोर दिया कि सड़क खुल जाए और प्रदर्शन भी चलता रहे, शाहीन बाग में ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए। बीते दिन काफी देर तक आंदोलनकारियों और वार्ताकारों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। अंत में जब कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा तो बात करने लायक माहौल न होने की बात कहकर साधना रामचंद्रन नाराज हो गई। पूरी बातचीत में दोनों वार्ताकारों ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखने की नसीहत भी दी। आपका शायद ये कहना है कि अगर आप यहाँ से निकले तो और कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए। जब तक हम हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल अब नजर शाहीन बाग में तीसरे राउंड की बातचीत पर टिकी है। देखना होगा कि क्या आज वार्ताकार आंदोलनकारियों को समझाने में सफल होते हैं या फिर 69 दिन पूरे कर चुका शाहीन बाग का धरना आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक युवक के साथ बेरहमी का मामला सामने आया है। यहां कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक की बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। इंसान की शक्ल में अगर शैतान कहीं है तो फिर यही है, क्योंकि इन्हें इंसान कहना इंसानियत के साथ ना इंसाफी होगी। भला कौन इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इस तरह जानवरों जैसा सलूक करेगा। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। दो दरिंदे एक युवक के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर रहे हैं। नंगे बदन युवक पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बेल्ट बरसा रहे हैं। ये देखिए, युवक चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इंसानियत के दुश्मन इन दरिंदों से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी चीख पुकार का इन पर कोई असर होता नहीं दिखता। बस इनके सिर पर तो जैसे इस युवक को जान से मार देने का जुनून सवार था। बेल्ट जो एक बार बरसनी शुरू होती है बस बरसती ही जाती है। दोनों दरिंदे युवक के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर देते हैं। इनके सिर पर जैसे शैतान सवार होता है। युवक जितना चिल्लाता है बेल्ट का वार उतना तेज हो जाता है। हाथों से बेल्ट चलती है तो मुंह से गंदी जुबान निकलती है। युवक के साथ मारपीट और जमकर गाली गलौज होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर में ये मामला कहाँ का है और जो युवक पिट रहा है उसका कसूर क्या है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई हैं, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक मिलकर एक युवक के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज करते हैं। जानकारी के मुताबिक युवक का कसूर ये था कि उसने आरोपियों की मां के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे। वीडियो के वायरल होने से पुलिस को इसकी भनक लग चुकी है। पुलिस के मुताबिक अपराधी दहशत फैलाने के मकसद से वीडियो वायरल करते हैं। इस वीडियो को देखा है, इसमें जांच कराई जाएगी, कहां का है, कब का है, कौन कौन है, किस कारण से मारपीट हो रही है, कौन मारपीट कर रहे हैं, इनकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई कराई जाएगी। बदमाश अपने दूसरों लोगों पे भयभीत करने के लिए वीडियो खुद ही डालते हैं, जिससे दूसरे भयभीत हो जाएं। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ प्रतीत होता है, जिनकी पहचान करके कार्रवाई कराई जाए। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान में एक दलित युवक के साथ दरिंदगी का वीडियो सामने आया था। 5 से 6 लोगों ने मिलकर चोरी के इल्जाम में एक युवक के साथ न सिर्फ जमकर मारपीट की थी बल्कि अमानवीय अत्याचार भी किया था।
इस मामले पर अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। बहरहाल राजस्थान के बाद एक और कांग्रेसी शासन वाले राज्य में इस तरह का वीडियो सामने आने से सियासत में उबाल आ सकता है। हो सकता है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद विपक्ष इसको हथियार बनाकर कांग्रेसी सरकारों को घेरने की कोशिश करे। लोकेश चौरसिया, छतरपुर आज तक। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है। देश भर के मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोले के भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं देवघर, उज्जैन, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली और अमृतसर की, जहां पर जय जय और बम बम भोले के जयकारों की गूंज हर जगह आपको सुनाई देगी। सुबह से ही मंदिरों में शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ को बेलपत्र और जल सबसे प्रिय है, इसलिए जो भक्त हैं उनके भोलेनाथ के, वो बेलपत्र और जल लेकर सुबह से पहुंच रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद गौरीशंकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। लोग कतारों में खड़े होकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ पुजारी पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भक्त जो हैं लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज जैन की रिपोर्ट भी देखिए। प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और आपको तस्वीरें हम सीधे दिखाते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर के इलाकों से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ खास इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई दूध लेकर पहुँचा हुआ है, कोई फूल धतूरा लेकर पहुँचा हुआ है और सभी यहाँ पर भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जयकारों के बीच यहाँ पर आपको ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लंबी कतार मंदिर के अंदर और बाहर देखने के लिए मिल रही है। पुलिस चप्पे चप्पे में यहाँ पर तैनात की गई है और ऐसे में तमाम लोग हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए और जल्द से जल्द यहाँ पर भोलेनाथ तक पहुँचने के लिए। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है। देश भर के मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोले के भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले को मना रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हालांकि भोलेनाथ भोले हैं और वो सिर्फ श्रद्धा और भाव देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 61 सालों बाद आज का जो संयोग है महाशिवरात्रि पर वो बना है, इसलिए आज शिवरात्रि कुछ ज्यादा ही खास और अहम है। इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।